तो आपने देखा कि किस प्रकार विपत्र का नवीनीकरण किया जाता है, ऐसी कंडीशन में लेखक और स्वीकर्ता दोनों के लेखे किस प्रकार प्रभावित होते हैं, किस प्रकार की जनरल एंट्रीज पास की जाती हैं। अब हम देखेंगे अगला क्रम जहां पर विपत्र का जो स्वीकर्ता होता है वो दिवालिया हो जाता है, यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाता है। एक ऐसी स्थिति बनती है जब उस स्वीकर्ता की संपत्ति कम हो जाती है और दायित्व तो अधिक हो जाता है। हमने जनरल देखा था किसी भी व्यक्ति के जो दायित्व तो होते हैं, जब वो संपत्ति से ज़्यादा हो जाए तो उसको इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया मान लिया जाता है। अब ऐसी कंडीशन में उस पर जो देयताएं बनती है, जो उससे प्राप्त होने वाली जो राशियां बनती हैं वो नहीं मिल पाती हैं और उन सभी राशियों को डूबत ऋण यानी कि बैड डेब्ट्स मान लिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरी की पूरी राशि नहीं डूबती, कुछ रकम जिसे हम कहते हैं आंशिक राशि प्राप्त कर ली जाती है। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह की जनरल एंट्रीज की जाती हैं। आइए देखते हैं कि अगर इस कंडीशन में आंशिक राशि का भुगतान किया जाता है स्वीकर्ता के द्वारा तो लेखक या स्वीकर्ता के पुस्तक में किस तरह की एंट्रीज की जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लेखक या धारक के पुस्तक में एंट्री की जाती है रोकड़ खाता डेबिट, डूबत ऋण खाता डेबिट स्वीकर्ता के व्यक्तिगत खाता से, यानी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। अमाउंट हम इसमें किस प्रकार से लिखेंगे इसके लिए आइए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ए स्वीकर्ता व्यापारी है, इसको अपने लेखक को 1,000 रुपये देने थे, 1,000 रुपये के विपत्र पर इसने स्वीकृति दी थी यानी 1,000 रुपये देने थे। ए जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है और 1 रुपये में 25 पैसे के हिसाब से भुगतान करता है, यानी 25% अमाउंट ही वो दे पाता है। इसका हम क्या अर्थ निकालेंगे कि बाकी जो 75% है वो डूब गया यानी कि वो बैड डेब्ट्स हो गए। अब यहाँ पर क्योंकि 25% मिला है यानी 1000 का 25% यानी 250 रुपीज़ ही मिल पाए हैं और डूब कितना गया, 1000 में 250 मिले यानी कि 750 रुपीज़ डूब गए, बैड डेब्ट्स हो गए। तो यहाँ पर इस जनरल एंट्री में हम अमाउंट की पोस्टिंग कैसे करेंगे, हमको जो मिला जो रिसीव हुआ उसको हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 250 रुपीज़, जो डूब गया उसको हम डूबत ऋण के डेबिट साइड में लिखेंगे 750 रुपीज़ और टोटल जो 1000 के अमाउंट है उसको हम एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये हमने बात की लेखक की पुस्तकों में प्रविष्टियों की। स्वीकर्ता अपनी पुस्तक में किस प्रकार प्रविष्टि करेगा, जस्ट अपोजिट एंट्री। लेखक पाने वाला था तो वो रिसीव के अकॉर्डिंग उसने एंट्री की अपनी बुक में, स्वीकर्ता देने वाला है तो वो पेबल अमाउंट के अकॉर्डिंग एंट्री करेगा, यानी कि स्वीकर्ता की पुस्तकों में प्रविष्टि हो जाएगी धारक का व्यक्तिगत खाता डेबिट, रोकड़ खाता से, हीनता लेखा से, ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं डेफिशिएंसी। लेखक जिस अमाउंट के लिए बैड डेट्स का प्रयोग करता है, डूबत ऋण का प्रयोग करता है, स्वीकर्ता उसी अमाउंट के लिए डेफिशिएंसी अकाउंट यानी कि हीनता शब्द का प्रयोग करता है। अमाउंट दोनों सेम है लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रभाव अलग अलग पड़ रहा है। लेखक को हानि हो रही है, जितना उसने एक्सेप्ट किया था, जितना उसका उसको मिलना चाहिए, जो उसकी रिसीवेबल अमाउंट थी उसमें कटौती हो गई, पैसे डूब गए, वो उसके लिए लॉस है, उसने डेबिट में लिखा। हम ये नहीं कह सकते कि स्वीकर्ता के लिए वो बहुत खुशी की बात है कि पैसा नहीं देना पड़ा, ऑलरेडी वो डेफिशिएंसी में चल रहा है, घाटे में चल रहा है, तभी तो वो इंसॉल्वेंट हुआ। तो बैड डेब्ट्स वो इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि देनदार तो नहीं था वो। लेखक जो है वो बैड डेब्ट शब्द का प्रयोग कर सकता है और स्वीकर्ता जो है वो इसी अमाउंट के लिए डेफिशिएंसी यानी कि हीनता लेखा का प्रयोग करता है।
अब आइए देखते हैं कि इसी उदाहरण में इस जनरल एंट्री में अमाउंट किस प्रकार हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो एंट्री है उसमें जो ड्रावर है उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है और उसके बाद दो अकाउंट कैश और डेफिशिएंसी दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। यहाँ पर हमको कैश में वो अमाउंट लिखनी है जो एक स्वीकर्ता ने एक्सेप्टर ने कैश में पेमेंट की है। कितनी पेमेंट की थी? 1000 में से ओनली 250। तो 250 के अमाउंट को ये कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेगा और 1000 में केवल 250 ही उसने पेमेंट किया, यानी डूब कितने गए? 750। तो 750 के अमाउंट को वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में डेफिशिएंसी अकाउंट में लिखेगा और टोटल 1000 के अमाउंट फिर यहाँ पर ड्रॉवर्स अकाउंट के डेबिट में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं कि इस कंडीशन में जबकि एक स्वीकर्ता दिवालिया हो जाता है किस तरह की पंजी प्रविष्टियां की जाती हैं। श्याम राम का 3000 रुपये से ऋणी है, अतः उसने 1 जनवरी को 3 माह की अवधि का एक विपत्र उक्त राशि का स्वीकृत किया। 4 जनवरी को राम ने उस बिल को अपने बैंक से 6% वार्षिक की दर से बट्टे पर गुना लिया। भुगतान तिथि पर बिल अनादृत हुआ और बैंक ने 50 रुपये आलोकन व्यय के चुकाए। श्याम ने 2050 रुपये नगद चुकाए और शेष राशि का 3 माह की अवधि का 6% वार्षिक ब्याज सहित एक नया बिल स्वीकार किया। परिपक्वता तिथि के पूर्व श्याम दिवालिया हो गया और उसने क्रेडिटर्स को 1 रुपये में 50 पैसे चुकाए। राम के पंजे में आवश्यक प्रविष्टियां तथा श्याम का लेखा बनाएंगे। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं, राम और श्याम। यहां पर हमको बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा, श्याम राम का 3000 रुपये से ऋणी है, यानी श्याम ऋणी है, उसने माल खरीदा था, वो क्रेता है, यानी श्याम जो है वो स्वीकर्ता है, ड्रॉवी है, एक्सेप्टर है। राम का ऋणी है, यानी राम जो है उसने माल बेचा था, यानी वो विक्रेता है, और राम ही लेखक है, यानी ड्रॉवर है। दूसरी बात, अब हम जब एंट्री करना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम राम यानी कि लेखक के पुस्तक में एंट्री करेंगे और फर्स्ट एंट्री डायरेक्ट हम बिल रिसीव की करेंगे, यानी कि बिल के श्याम से स्वीकृत होकर प्राप्त होने की एंट्री हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, राम के पुस्तक में फर्स्ट एंट्री हो जाती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम, क्योंकि नॉर्मली एक लेखक जब भी पत्र को स्वीकृत करके यानी स्वीकर्ता से स्वीकृत करा के वापस प्राप्त करता है तो वो अपनी बुक में एंट्री करता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम। नेक्स्ट एंट्री और 3000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि अब वो उस बिल को, राम उस बिल को 4 जनवरी को 6% वार्षिक की दर से बट्टे पर गुना लेता है। तो यहाँ पर हम बट्टे की कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहले 3000 का बिल है, 2 मंथ का है, 6% इसमें बट्टा है, तो 3000 × 2 × 6 / 12 × 100, तो 30 रुपीज इसमें डिस्काउंट आ जाता है। नॉर्मल हम भुनाने की एंट्री जो लेखक यहाँ करते हैं वही एंट्री यहाँ पर हम करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नेट अमाउंट की कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। 3000 का बिल है, 30 रुपीज डिस्काउंट है, यानी 3000 - 30 यानी कि 2970 बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा। डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में हम 30 रुपीज लिखेंगे और टोटल 3000 हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जबकि भुगतान तिथि पर बिल अनादृत हो गया, कौन सा बिल अनादृत हो गया? जो गुना लिया गया था। तो लेखक क्या, हम क्या एंट्री करेंगे? एक्सेप्टर डेबिट टू बैंक। एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर? श्याम। तो प्रॉपर यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? श्याम डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट यहाँ पर एक ये हमको ध्यान में रखना है कि आलोकन व्यय भी हुए हैं साथ में, तो उसके अमाउंट को हमको यहाँ पर जोड़ के लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि श्याम जो था वो 2050 कैश दे रहा है और बाकी के लिए एक विपत्र लिख रहा है। टोटल जो बिल है वो 3000 का है
और श्याम वहां पर 2050 रुपीज जो है वो कैश दे दे रहा है, तो कैश रिसीव होने की नॉर्मल हम यहाँ पर एंट्री करेंगे राम की यानी कि ड्रॉवर यानी लेखक की बुक में, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम और 2050 से हम इसकी एंट्री करेंगे। बाकी के लिए विपत्र लिखेगा, तो विपत्र वो तभी लिखेगा जबकि पुराना जो विपत्र बच गया, कितने का बच गया 3000 में 2050 वो दे दे रहा है यानी कि 950 जो है वो बच गया, तो 950 के लिए पहले तो वो पुराने विपत्र को रद्द करेगा और उसके बाद फिर वो नया विपत्र लिखेगा। तो पुराने विपत्र को जब वो रद्द करेगा लेखक यानी कि राम, जब रद्द करेगा उस विपत्र को तो अपनी बुक में वो एंट्री करेगा एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कैंसिलेशन की एंट्री होगी एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर श्याम है, तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी श्याम डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और 950 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद अब हम नया विपत्र लिखेगा, लेखक जो है वो नया विपत्र स्वीकृत होकर प्राप्त करेगा तो ये अपने बुक में एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट, एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर श्याम, तो लेखक यानी कि राम की बुक में एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम, और रिन्यूअल के लिए यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि परिपक्वता तिथि के पूर्व श्याम जो है वो दिवालिया हो गया और 1 रुपया में 75 पैसे चुका है यानी 50% ही मिल रहा है, तो फिर इंसॉल्वेंसी वाली बात यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर कुछ तो उसको कैश में ट्रांसफर करना होगा और कुछ को उसको बैड डेब्ट्स में ट्रांसफर करना होगा। यहाँ पर मिलना कितना था 950 मिलना था, लेकिन क्योंकि हाफ ही मिल पाएगा बाकी हाफ जो है वो हमने बैड डेब्ट्स में यहाँ पे ट्रांसफर करना होगा, तो 950 का हाफ यानी कि 475 जो है वो कैश में चला जाएगा और 475 जो है वो बैड डेब्ट्स में चला जाएगा डेबिट में और बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में यहाँ पर 950 से हम एंट्री करेंगे। अब राम की बुक में तो हमने एंट्री कर ली, अब श्याम की बुक में देखते हैं श्याम कौन है, श्याम एक्सेप्टर है बिल पे वे स्वीकृति वो देगा, तो पहली एंट्री करेगा राम डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट और फिर जब वो कैश अमाउंट देगा तो एंट्री करेगा राम डेबिट टू कैश क्योंकि 2050 उसने कैश दिया है, और उसके बाद डिसऑनर्ड की एंट्री होगी और डिसऑनर्ड में नोटिंग चार्ज भी जुड़ा है, इस बात का भी हमको विशेष ध्यान रखना है, तो ऐसी कंडीशन में स्वीकर्ता यानी कि ड्रॉवी के यहाँ एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, बिल्स पेबल 3000 का है, नोटिंग चार्जेस 50 रुपीज है और टोटल 3050 हम ड्रॉवर अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। अब नया बिल लिखना है तो पुराने बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, पुराने बिल के कैंसिल की जो एंट्री है ड्रॉवी के यहाँ वो हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट, एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर राम, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राम बिल कैंसिल की एंट्री हो जाएगी और बिल रिन्यूअल की एंट्री हो जाएगी राम यानी कि ड्रॉवर डेबिट टू बिल्स पेबल राम डेबिट टू बिल्स पेबल। इसके बाद जब वो कैश पेमेंट करेगा तो पूरा का पूरा कैश तो वो पेमेंट कर नहीं रहा है, कुछ डेफिशिएंसी आ रही है इसमें, तो यहाँ पर वो 4475 कैश पेमेंट करेगा, 475 उसकी डेफिशिएंसी हो गई, टोटल पेमेंट उसको 950 का करना था, तो यहाँ प्रॉपर हमारी जनरल एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम 475 लिखेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट में हम 475 लिखेंगे और टोटल अमाउंट जो है बिल्स पेबल अकाउंट के डेबिट में 950 आ जाएगी। 1 जनवरी 2008 को विष्णु ने शंकर को 15,000 रुपए का माल बेचा और इस राशि के लिए शंकर ने 12,600 रुपए का 1-2 माह का विनिमय विपत्र तथा 2,400 रुपए का चेक दिया। विष्णु ने विनिमय विपत्र को 12,300 रुपए में भुना लिया। देय तिथि पर शंकर विनिमय विपत्र का भुगतान नहीं कर सका और यह भुगतान 100 रुपए नोटिंग व्यय सहित विष्णु को करना पड़ा। दूसरे दिन शंकर ने एक नया विपत्र 4 माह की अवधि का पहले वाले के बदले भेजा और नोटिंग व्यय तथा ब्याज के 9% प्रतिवर्ष की दर से नगद दिए। 5 जुलाई 2008 को शंकर दिवालिया हो गया और 20 जुलाई 2008 को उसकी संपत्ति से प्रति रुपए 40 पैसे के हिसाब से राशि वसूल हुई। इन व्यवहारों के जनरल प्रविष्टियां दोनों पक्षों की बहियों में कीजिए
तथा शंकर की बही में विष्णु तथा विष्णु की बही में शंकर का खाता खोलिए। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं विष्णु और शंकर, क्योंकि स्पष्ट रूप से यहाँ दिया गया है कि विष्णु ने शंकर को माल बेचा। इसका अर्थ यह है कि विष्णु विक्रेता व्यापारी और शंकर क्रेता व्यापारी है, यानी कि विष्णु विपत्र लिखेगा, यानी विष्णु विपत्र का लेखक है और शंकर उस विपत्र पर स्वीकृति देगा, शंकर इस विपत्र का स्वीकर्ता है। तो सबसे पहले यहाँ हम विष्णु यानी कि लेखक की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करेंगे। प्रश्न में जिस तरह से क्रमबद्ध दिया गया है उसी क्रम के आधार पर हम पंजी प्रविष्टि करेंगे। तो सबसे पहले विष्णु ने शंकर को माल बेचा है, इसलिए हमारी पहली प्रविष्टि हो जाएगी शंकर डेबिट टू सेल्स अकाउंट और 15,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद जब विष्णु शंकर पर विपत्र लिखेगा और शंकर जब इस विपत्र पर स्वीकृति देगा तो इस कंडीशन में विष्णु के पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शंकर अकाउंट। और क्योंकि इसने केवल 12,600 रुपए के विपत्र पर ही स्वीकृति दी है और बाकी जो धनराशि चेक से दी है, तो यहाँ पर दो अलग अलग एंट्री हो जाएगी। एक तो 12,600 रुपए जब वो स्वीकृति देगा उस कंडीशन में और दूसरी 2,400 की अमाउंट होगी जबकि उस विपत्र पर नगद राशि या फिर चेक से के माध्यम से भुगतान प्राप्त होगा। तो जब विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो विष्णु की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि की जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शंकर। जनरली यहाँ पर हम एंट्री करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट। अब एक्सेप्टर यहाँ पर शंकर है तो इस कंडीशन में हम एंट्री कर रहे हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शंकर अकाउंट। और थर्ड कंडीशन, क्योंकि इसमें कुछ राशि यानी कि 2400 जो है वो कैश भी मिल रही है, तो इसके लिए विष्णु की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू शंकर और 2400 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विष्णु ने विनिमय विपत्र को 12,300 रुपए में भुना लिया। तो यहाँ पर जबकि विपत्र जो था वो 12,600 का था और भुनाया जब उसने तो वो 12,300 रुपए में ही भुनाया उसको, यानी कि ये मान लिया जाएगा कि जो डिफरेंस के 300 रुपए के अमाउंट है वो अमाउंट डिस्काउंट चली गई। तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और क्योंकि विपत्र को 12,300 रुपए में भुनाया गया है तो हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 12,300, डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 300 और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 12,600। आगे हम बढ़े तो देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि नोटिंग वे भी किए हैं विष्णु ने, तो नोटिंग वे सहित इसका भुगतान किया गया है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर एंट्री करेंगे शंकर डेबिट टू बैंक और टोटल जो यहाँ पर अमाउंट है 12,700 उससे हम इस एंट्री को पास करेंगे। अब जबकि दूसरे दिन शंकर ने एक नया विपत्र 4 माह की अवधि का पहले वाले के बदले भेजा और नोटिंग वे और ब्याज 9% प्रतिवर्ष की दर से जो थे वो भी उसने चुकाए, तो ऐसी कंडीशन में ये हमने माना कि पुराना विपत्र जो है उसको रद्द करना है और एक नया विपत्र हमको लिखना है और विथ 9% इंटरेस्ट 9% ब्याज सहित। तो दो चीजें इसमें जुड़ जाएंगी कि एक तो उसपे डिस्काउंट भी था, ये भी हमको ध्यान में रखना है, फिर हमको ये ध्यान रखना है नोटिंग वे भी हुए थे और हमको ये भी ध्यान में रखना है कि अब 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी लग रहा है। तो यहाँ पर हम ब्याज के कैलकुलेशन भी कर लेंगे और नोटिंग वे को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी विपत्र को रद्द करने की, यानी कि पुराना विपत्र रद्द करने की। तो लेखक के पुस्तक में पुराना विपत्र रद्द करने के लिए हम जनरल एंट्री करते हैं एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यानी एक्सेप्टर कौन है यहाँ पर शंकर। तो प्रॉपर यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी शंकर डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,600 से। और अब जब हम इस विपत्र की जगह नया विपत्र लिखेंगे तो हमने जैसे कि वीडियो में देखा हमारी जनरल एंट्री यहाँ पर हो जाती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट।
तो एक्सेप्टर है यहाँ पर शंकर, तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शंकर अकाउंट। और यहाँ हमको अमाउंट लिखते समय बहुत सावधानी रखनी है, यहाँ हमको ये देखना है कि टोटल जो अमाउंट है बिल की वो है 12,600। उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्काउंट की भी कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद हमने यहाँ पर ब्याज की भी हमको कैलकुलेशन करनी होगी, और साथ में हम यहाँ देख रहे हैं कि 100 रुपीज जो थे वो नोटिंग चार्जेस भी थे, तो वो सारी अमाउंट जो है वो इसमें जुड़ जाएगी और टोटल जो अमाउंट है बिल्स रिसीवेबल अमाउंट डेबिट टू शंकर इसके अंतर्गत जो हम लिखेंगे वो हो जाएगा 13,078 रुपीज। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अमाउंट थी उसमें कैश जो मिला है वो है 5,321। बैड डेब्ट्स जो हो गया है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि शंकर दिवालिया हो गया और उसकी संपत्ति से 40 पैसे के हिसाब से ही राशि वसूल हुई है, यानी कि कुल मिला के कैश कितना मिला है, यानी कि जो टोटल अमाउंट है 12,600 विपत्ति की राशि, हम इसमें प्लस कर देंगे 100 रुपए जो नोटिंग वे है और हम इसमें प्लस कर देंगे 378 रुपए जो कि ब्याज के हमने कैलकुलेट किए हैं। ब्याज के कैलकुलेशन के लिए हम 12,600 रुपए के विपत्र पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 4 माह का ब्याज कैलकुलेट करेंगे, तो 378 रुपए हमको ब्याज की राशि प्राप्त होगी। इस प्रकार अब जबकि इस विपत्र पर वसूली की जा रही है, पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि दिया गया है कि शंकर जो है वो दिवालिया हो गया और उसकी संपत्ति से 20 जुलाई 2008 को प्रति रुपए 40 पैसे के हिसाब से ही वसूली हो पाई है, तो ऐसी कंडीशन में जो पैसे वसूल हो पाए हैं वो कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे, जो डूब गए वो बैड डेब्ट्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं 13,078 की 40% जो अमाउंट होगी वो हो जाएगी 5,232 रुपीज, और बची हुई यानी कि जो डूब गई अमाउंट 60% अमाउंट यहाँ पर डूब गई है, बैड डेब्ट्स मान लिया गया है, जो कि हो जाएगी 7,847 रुपीज। तो यहाँ पर हम जो कैश में जो अमाउंट मिली है अप्रॉक्स 5,232 रुपीज, उसको हम कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और बैड डेब्ट्स में हम जो बैलेंस अमाउंट है 7,847 रुपीज, उसको हम बैड डेब्ट्स के डेबिट में लिखेंगे, और टोटल अमाउंट जो है वो शंकर के क्रेडिट साइड में 13,078 रुपीज अप्रॉक्स हम लिखेंगे। तो ये तो हमने एंट्री की अभी विष्णु की पुस्तकों में, विष्णु लेखक था और अब हम एंट्री करेंगे स्वीकर्ता यानी कि शंकर की पुस्तकों में। तो शंकर जब विष्णु से माल खरीदेगा तो वो अपनी पुस्तक में एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू विष्णु अकाउंट और 15,000 से वो एंट्री करेगा। उसके बाद जब विपत्र पर स्वीकृति दी जाएगी यानी कि विष्णु के द्वारा लिखे गए विपत्र पर शंकर जब स्वीकृति देगा तो वो अपनी बुक में एंट्री करेगा विष्णु डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और ऐसी कंडीशन में अमाउंट जो होगी वो हम केवल 12,600 की ही लिखेंगे। हालांकि फर्स्ट कंडीशन में जब हमने एंट्री पास की थी परचेस अकाउंट डेबिट टू विष्णु अकाउंट, वहां पर हमको टोटल अमाउंट जितना परचेस किया गया है शंकर के द्वारा वो टोटल अमाउंट 50,000 हम लिखेंगे, लेकिन जब बात विपत्र की आएगी बिल लिखने की, स्वीकृत होकर प्राप्त होने की, भुगतान होने की, तो फिर वो सारी एंट्रीज को हम विपत्र की जो राशि है 12,600 फिर उसी से हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट जो एंट्री है जबकि विष्णु कुछ अमाउंट, टोटल जो अमाउंट है परचेस की उसमें से कुछ अमाउंट को नगद वो भुगतान करता है विष्णु को 2400, तो इस कंडीशन में शंकर यानी कि विपत्र का स्वीकर्ता अपनी पुस्तक में जनरल एंट्री करेगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ड्रॉवर कौन है, यहाँ पर विष्णु है, तो यहाँ जनरल एंट्री हो जाएगी विष्णु डेबिट टू कैश अकाउंट 2400 से एंट्री होगी। इसके बाद जबकि नेक्स्ट स्टेप में दिया गया है कि देय तिथि पर शंकर विनिमय विपत्र का भुगतान नहीं कर सका और 100 रुपए नोटिंग व्यय सहित विष्णु को करना पड़ा, यानी कि यहाँ जो है वो विपत्र अनादृत हो जाता है और विपत्र का जो भुगतान है वो भी शंकर के द्वारा ही किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जनरल एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू विष्णु अकाउंट
और हमको ये ध्यान रखना है कि बिल्स पेबल अकाउंट के डेबिट में हम 12,600 लिखेंगे, नोटिंग चार्जेस अकाउंट के डेबिट में हम 100 लिखेंगे और विष्णु अकाउंट के डेबिट में हम 12,700 रुपीस लिखेंगे। एक चीज हमने यहाँ पर देखी कि जो नया विपत्र लिखा गया था उस पर कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट भी था, तो ऐसी कंडीशन में हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इस इंटरेस्ट के जब ये विपत्र लिखा गया तो इससे कुछ नोटिंग चार्जेस भी थे 100 रुपीज, तो इसकी हमको एक एंट्री कर लेनी है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट पे करना था उसकी एंट्री भी हमको यहाँ पर करनी है, जो कि हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विष्णु अकाउंट, और क्योंकि इंटरेस्ट की अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी 378 रुपीज, तो उसकी अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विष्णु अकाउंट 378 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट में जबकि नया विपत्र लिखा गया तो हमको ध्यान में रखना है कि अब इस विपत्र की राशि में एक तो पुराने विपत्र की राशि शामिल होगी, प्लस इसमें हमको नोटिंग एक्सपेंसेस भी शामिल करने हैं, और प्लस इसमें हमको इंटरेस्ट के जो अमाउंट है 9% फॉर 4 मंथ, उसको भी हमको इसमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर जो अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 12,600 प्लस 100 नोटिंग चार्जेस एंड प्लस 378 इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 13,078। और जनरल एंट्री यहाँ पर हमारी हो जाएगी विष्णु डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब जबकि लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 जुलाई 2008 को शंकर दिवालिया हो गया और 20 जुलाई 2008 को उसकी संपत्ति से 40 रुपये प्रति के हिसाब से पैसे वसूल हुए। तो क्योंकि ये देने वाला है, शंकर स्वीकर्ता है, देने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में अपनी बुक में एंट्री करेगा विष्णु डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिफिशियंसी अकाउंट। और हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैश यानी कि जो उसको दिया गया वो हमको कैश अकाउंट के डेबिट में लिखना है, और जो नहीं दिया जा सका यानी कि डूब गया वो हमको डिफिशियंसी में लिखना है। जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि जो डूबी हुई जो राशि विष्णु के लिए यानी कि लेखक के लिए डूबत ऋण होती है, वही राशि स्वीकर्ता के लिए डेफिशिएंसी यानी कि हीनता लेखा में चली जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे विष्णु डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम 5,232 रुपीज और डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम 7,847 रुपीज अप्रोक्स लिखेंगे, और टोटल जो अमाउंट है वो विष्णु के अकाउंट के डेबिट साइड में 13,078 रुपीज से आ जाएगी। 1 जनवरी 2006 को मोहन ने सोहन को 5,000 रुपए का माल बेचा और इस रकम के लिए 3 माह की अवधि का एक विपत्र लिखा। सोहन इसे स्वीकार कर लेता है। मोहन इसे बैंक से 25 रुपए बट्टा देकर भुना लेता है। परिपक्वता तिथि के पूर्व सोहन दिवालिया हो जाता है और इसकी संपत्ति से 1 रुपए में 50 पैसे उसके ऋण पर चुकाए जाते हैं। इन व्यवहारों को मोहन के जनरल में लिखिए। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि दो पक्षकार हैं, मोहन और सोहन। क्योंकि मोहन ने सोहन को माल बेचा यानी कि मोहन विक्रेता व्यापारी और सोहन क्रेता व्यापारी है। अब विनिमय विपत्र की दशा में हम ये कह सकते हैं कि मोहन लेखक यानी कि ड्रॉवर है और सोहन स्वीकर्ता यानी कि ड्रॉवी या एक्सेप्टर है। इस कंडीशन में हम जब सबसे पहले मोहन यानी कि विक्रेता लेखक या ड्रॉवर की बुक में एंट्री करेंगे तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पर माल बेचने की जाएगी। माल किसको बेचा गया है? सोहन को। तो इस कंडीशन में हम एंट्री करेंगे सोहन डेबिट टू सेल अकाउंट और 5,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। सेकेंड कंडीशन में जबकि मोहन के द्वारा लिखे गए बिल को सोहन स्वीकार करके वापस मोहन को लौटाएगा, तो ऐसे कंडीशन में मोहन यानी कि लेखक की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि की जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट 5,000 से। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बिल था इसको सोहन स्वीकार कर लेता है और मोहन इसे 25 रुपए बट्टा देकर भुना लेता है। हमने देखा कि बैंक से 25 रुपए बट्टा देकर भुना लेता है, यानी 5,000 का ये विपत्र था और उसपे 25 रुपए डिस्काउंट
दिया गया। तो कुल मिलाकर इसमें जो वसूल हुई है राशि वो है 4975। जनरल एंट्री यहाँ पर हमारी हो जाएगी भुनानी की, जो नॉर्मल एंट्री लेखक के यहाँ होती है उसी एंट्री को हम यहाँ पर पास करेंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम 4975 से एंट्री करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम 25 रुपीज से एंट्री करेंगे, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम 5000 से एंट्री करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जबकि सोहन जो है वो परिपक्वता तिथि से पूर्व दिवालिया हो जाता है, तो इसके और इसकी संपत्ति से 1 रुपए में 50 पैसे उसके ऋण पर चुकाए जाते हैं। अब हमने जैसे कि वीडियो में देखा कि एक कंडीशन आती है इंसॉल्वेंसी की, जब किसी व्यक्ति की जो दायित्व तो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और संपत्तियां जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। ऐसे कंडीशन में कई बार पूरी की पूरी राशि वसूल नहीं होती और कई बार कुछ आंशिक राशि वसूल हो जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि 1 रुपए में 50 पैसे की दर से वसूल हुई, यानी कि 1 रुपए में टोटल 100 पैसे होते हैं, 50 पैसे वसूल हुए, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि 50% अमाउंट वसूल हुई है और बाकी जो 50% है वो डूब गई। अब ऐसी कंडीशन में हम लेखक यानी कि मोहन की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करेंगे कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। 5000 का ये विपत्र था, 50% वसूल हुआ और 50% डूब गया, यानी कि 2500 रुपए वसूल हुए और 2500 डूब गए। अब यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 2500 लिखेंगे, बैड डेब्ट्स का डेबिट में 2500 लिखेंगे और टोटल सोहन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5000 लिखेंगे। तो ये तो हमने बात की लेखक के पुस्तक की। अब अगर स्वीकर्ता की पुस्तकों में प्रविष्टि करनी हो तो किस प्रकार से प्रविष्टि की जाएगी? तो स्वीकर्ता की पुस्तक में सबसे पहले हम माल को खरीदने की एंट्री करेंगे। जब सोहन के द्वारा मोहन से माल खरीदा जाता है तो इस कंडीशन में सोहन अपनी पुस्तक में एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन और 5000 से इसकी एंट्री की जाएगी। फिर सोहन अपने अकाउंट में एंट्री करेगा जबकि वो विपत्र पर स्वीकृति देगा, सोहन डेबिट मोहन डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट और 5000 से इसकी एंट्री की जाएगी। थर्ड कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो विपत्र का लेखक है यानी कि सोहन है उसको विपत्र को बैंक से बट्टे पर भुना लेता है, तो भुनाने की एंट्री हमने लेखक के पुस्तक में तो कर दी लेकिन यहाँ पर स्वीकर्ता के पुस्तकों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो स्वीकर्ता के पुस्तक में हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। और जब ये भुगतान करेगा यानी कि स्वीकर्ता सोहन जब इस विपत्र पर भुगतान करेगा तो वो एंट्री पास करेगा मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। और क्योंकि हमने देखा कि 5000 का बिल था, 50-50% हो रहा है, 50% भुगतान किया गया और बाकी जो 50% थे वो डूब गए, तो 2500 और 2500 से हम एंट्री करेंगे। एक चीज का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा कि वो अमाउंट जो कि लेखक के लिए बैड डेब्ट्स था क्योंकि उसको वसूल नहीं हुए तो उसने अपने डेटर्स को बैड मान लिया, बैड डेब्ट्स मान लिए, बिल्कुल वही अमाउंट स्वीकर्ता के लिए डेफिशिएंसी या हीनता लेखे में चले जाएगी।